गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। टुडे इज डे 13 एंड लेसन नंबर 13। नंबर करंची। स्टूडेंट्स, वी लर्न आवर प्रीवियस लेसन, लेसन नंबर 12, कॉन्टिनेंट्स। देयर आर सेवन कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। स्टूडेंट्स, टुडे we will learn lesson number 13, number Karachi. Today we will learn logic and reasoning in this chapter. First of all, open the GK textbook and page number 13. Let's see. Students, lesson number 13, number crunching. I will read here. Help the rabbit eat the carrot. Solve every problem given below as per the signs. For example, multiplication, subtraction, etc. Then use the boxes to trace a path to reach the destination. अभी देखेंगे यहाँ पर ये जो आपकी स्क्रीन पे आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। ये आंसर कैसा है? सबसे पहले आपको ये जो हमारा लेसन है वो मैथ्स के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर बेस है। मींस इसमें हमको किसकी हेल्प करनी है? रैबिट की। हेल्प द रैबिट रीच द कैरेट मींस उसकी हेल्प क्या करनी है कि रैबिट को क्या है, जो कैरेट है यहाँ तक उसको पहुँचाना है हमको। सो रैबिट को जो है वो उसकी हेल्प कैसी करनी है हमको? यहाँ पर हमको जो है वन बाय वन जो है मैथ्स के जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की जो साइंस दिए, सिंबल्स जिसको बोलेंगे अब दिया है यहाँ पे, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आखिरी में हम आएंगे कहाँ पर? यहाँ पर कैरेट। समझ में आ रहा? सो रैबिट की हमको हेल्प करनी है। तो स्टूडेंट, आर यू रेडी? ओके, सो चलो अभी देखेंगे। मैं यहाँ पर वन बाय वन सॉल्व करूँगा, देखेंगे इसमें से बहुत से ऐसे जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि नंबर वन आपकी लेफ्ट साइड से देखेंगे स्टार्ट हो रहा है। नंबर वन यहाँ पर क्या दे रहा है? 5 × 4, 5 × 4 या 5 × 4। सो ये जो मल्टीप्लीकेशन है तो इसका मीनिंग क्या है मैथ्स में? ये जो हमने आपको बताया होगा स्टार्टिंग में, मैंने आपका मैथ्स लिया था देन अभी शीतल मेटल मेरे, और आई होप कि आपको जो बेटर अंडरस्टैंड हो रहा होगा उनका लेक्चर, और आपको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कैसे? देखेंगे यहाँ पर क्या करना है, 5 का टेबल हमको कहाँ तक रीड करना है? 4 तक। कैसे? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 एंड 5 × 4 = 20। समझ में आ रहा? सो 5 × 4 = 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर 20। ये इजी है, ओके। सो ये हमारा रैबिट क्या हो गया, अभी यहाँ से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर उसका एक डोर खुल गया, अब उसने ये जीत गया। इसको हम गेम भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स? ये गेम है एक तरह का, ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और जो हम ये हमको सिर्फ ये साइंस दिख रहा है ना, सिंबल, ओके, इसके ऊपर हमको सिर्फ फोकस करना है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करते जाना है। अगर आप अगर इसको फाइव एडिशन 4 करेंगे तो आंसर आएगा 9, मतलब 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर एडिशन नहीं बोला है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन बोला है। सो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा? नंबर को अगर आप के मर्जी से अगर आप कर रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ये साइन जो है, ओके, सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आता है नंबर 2, देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 12 × 4। क्या बोल रहा है? 12 × 4, अभी देखेंगे।
यहाँ पर देखो मैंने पेज पे राइट डाउन किया है 12 सब्स्ट्रैक्शन 4। अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है ये कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। ओके सो यहाँ पर हमको क्या करना है, वंस के कॉलम को पहले सॉल्व करना है। तो 2 में से 4 जाता है नो। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसा करना है हम देखेंगे, ये 12 है, 12 लाइंस ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके अब 12 में से हमको कितना माइनस करना है या कितना सब्सट्रैक्ट करना है वो है 4। तो 4 लाइंस कट कर दो, 1 2 3 4। रिमेनिंग कितने हैं, बचे कितने हैं वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 दिख रहा है यहाँ पे। ओके इजी है ना। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आते हैं, देखेंगे और 2 स्टेप हम आगे आगे। तीसरी जो स्टेप है वो क्या है, 3 9 मल्टीप्लिकेशन 8। पहले हमने 5 मल्टीप्लिकेशन 4 का किया, अब यहाँ पर आता है 9 मल्टीप्लिकेशन 8। मीन्स यहाँ पे कौन सा टेबल हम रीड करेंगे वो है 9 का। समझ में आ रहा है। सो 9 का हम यहाँ पर करेंगे। ओके तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 9 का टेबल रीड करेंगे, कहाँ तक, 8 तक। सो स्टार्ट करना है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 56, 9 7 ज़ा 63 एंड 9 8 ज़ा 72। तो हमारा आंसर क्या आया, 72। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको टेबल लर्न होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको टेबल लर्न नहीं रहेगा तब तक आप जो है मल्टीप्लिकेशन का कोई भी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं कर सकते हो। आ रहे स्टूडेंट्स समझ में। देन स्टूडेंट्स उसके बाद देखेंगे फोर्थ पे आते हैं हम। फोर्थ पे देखेंगे वापस से वही रिपीट हो रहा है, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको वो कौन सा है, सब्सट्रैक्शन। ओके 24 सब्सट्रैक्शन या 24 माइनस 4, 24 में से 4 क्या करना है आपको, कट कर देना है, निकाल देना है, माइनस कर देना है या सब्सट्रैक्शन कर देना है। आ रहे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हम वही पैटर्न यूज करेंगे जो हमने अभी यहाँ पर किया था। देखेंगे यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 24 माइनस 4। हम क्या करेंगे, 24 लाइंस पहले ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितने माइनस करना है, 4 1 2 3 4। रिमेनिंग कितने बचे हैं वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो हमारा आंसर देखो 20 आया यहाँ पे। अगर आपने भी किया है खुद से तो वेरी गुड। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहा है आपको 5, रैबिट यहाँ तक आ गया है, इमेजिन करो। हमको कहाँ तक लाना है, उसको यहाँ तक लाना है और यहाँ पर उसको फिनिश करना है, उसको क्या लेना है, कैरेट लेना है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए वापस से ये सिंबल देखो कौन सा है, ये मल्टीप्लीकेशन, वेरी गुड। अब वापस से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई 10 या 10 इंटू 10 या 10 मल्टीप्लीकेशन 10। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, 10 का टेबल हमको रीड करना है कहाँ तक, 10 तक। इजी है, बहुत इजी है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50,
10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90 एंड 10 10 100। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 100। इजी है स्टूडेंट्स, ओके गुड। देखेंगे स्टूडेंट, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है हमारा जो 6th लेवल है। देखेंगे यहाँ पर वापस से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहा है। पहले हमने 5 का किया था टेबल रीड, उसके बाद हमने जो है 9 का, फिर उसके बाद 10, अब यहाँ पर 6 का टेबल हमको क्या करना है, रीड करना है, कहाँ तक करना है, 3 तक करना है। सो स्टार्ट करना है, 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 3 18, है ना इजी स्टूडेंट्स, ओके गुड। अब देखेंगे यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है हमारा 7th लेवल, वो है वापस से सब्ट्रैक्शन। क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। देखेंगे 100 सब्ट्रैक्शन 99, बहुत इजी है, क्या बोल रहा है, 100 सब्ट्रैक्शन 99, ओके। 100 में से अगर 99 हम माइनस कर देते या निकाल देते तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे भाई। या बहुत इजी है स्टूडेंट्स, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही लाइंस, पहले हम क्या करेंगे, उसको 100 तक लाइंस ड्रॉ करना है, उसमें से 99 लाइन क्या करना है आपको, कट करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ओके। उसके बाद आता है लेवल 8, देखेंगे लेवल 8 देखेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ओके। 16 प्लस 10, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन का किया, अब यहाँ पर आता है एडिशन, किसका आ रहा है, एडिशन, टू ऐड, क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐड करना है 16 प्लस 10, क्या करना है आपको, 16 प्लस 10 को क्या करना है आपको, ऐड करना है। देखेंगे 16 एडिशन या 16 प्लस 10, बहुत इजी, हम उसको जो है ऐसा भी कर सकते हैं, ये हम लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, ओके। जैसे कर रहा हूँ मैं, 1 2, पहले जो जितने कितना है 16, तो 16 लाइन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको उसको ऐड करना है, मतलब ये सारे नंबर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो फिर से हम इसको रीड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26 आया आंसर, ओके गुड। उसके बाद आता है 9 भी देखो बहुत इजी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है स्टूडेंट्स,